नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ ताजा तरीन सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की खास खबरों की। देश के 25 राज्यों में बारिश का रेड अलर्ट जारी। महाराष्ट्र के चिपलून में सड़क पर आया मगरमच्छ, तो लूनावाला डैम में एक परिवार के 5 लोग पानी के बहाव में बह गए, हुई मौत। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में फांसी के फंदे पर झूलती मिली एक परिवार के 5 लोगों की लाश, मृतकों में 3 बच्चे भी शामिल, मची सनसनी। अयोध्या सीट से सपा सांसद अवधेश प्रसाद को डिप्टी स्पीकर पद के लिए मिला आप पार्टी का समर्थन। आप सांसद संजय सिंह ने कहा, प्रभु श्री राम की नगरी से दलित समाज के एक नेता जो विधायक और मंत्री रह चुके हैं और अब वहां की जनता ने उन्हें जिताकर सांसद बनाया। लोकसभा में राहुल ने लहराई भगवान शंकर की तस्वीर, स्पीकर ने दिखा दी नियम पुस्तिका। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी सीधे हमले किए। उन्होंने कहा कि मैं बायोलॉजिकल हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री बायोलॉजिकल नहीं है। देश में आज से लागू हुए 3 नए कानून, वही क्रिमिनल कानून लागू होने पर बोले अमित शाह, कहा मॉब लिंचिंग करने पर होगी फांसी तक की सजा। नीट री एग्जाम रिजल्ट हुआ जारी, 67 से घटकर 61 टॉपर्स हुए। 1563 कैंडिडेट के लिए हुआ था एग्जाम। संसद भवन के गेट पर विपक्षी सांसदों ने जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल को लेकर सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने हाथों में प्ले कार्ड लेकर सरकार के खिलाफ लगाए नारे। आज से भारत में लागू हुए नए आपराधिक कानून, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की लेंगे जगह। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के मुताबिक फैसले लिए जाएंगे। आज सोने चांदी के दामों में हुई गिरावट, 10 ग्राम सोना 71,626 पर आया, तो वही चांदी 88,000 रुपए के नीचे आई। वहीं बात करें शेयर बाजार की, तो सेंसेक्स में 400 अंक से ज्यादा की तेजी रही, 79,450 पर कारोबार कर रहा। निफ्टी भी 100 अंक से ज्यादा चढ़ा। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियां। अब बात करते हैं हरियाणा की ताजा खबरों की। हरियाणा की नायब सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दे दी है। दरअसल हरियाणा की भाजपा सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले कर्मचारियों को वेतन को बढ़ाने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाने की घोषणा कर दी है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सोमवार को बड़ा ऐलान करते हुए कर्मचारियों के वेतनमान को बढ़ाते हुए ये ऐलान किया है कि कौशल रोजगार निगम के तहत पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 की भर्ती कर्मचारियों के वेतनमान में 8% की बढ़ोतरी की जाएगी। कर्मचारियों के वेतन में ये बढ़ोतरी 1 जुलाई से लागू हो जाएगी। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए हरियाणा में कांग्रेस ने तैयारी तेज कर दी है। दरअसल 7 जुलाई को गुरुग्राम में होने वाले सम्मेलन के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष जितेंद्र कुमार भारद्वाज ने रविवार को बैठक की, वहीं जिसमें सम्मेलन की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस हरियाणा में 70 सीटें जीतेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष जितेंद्र कुमार भारद्वाज ने कहा कि आज हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का पूरा माहौल बन चुका है। हरियाणा की जनता ने लोकसभा के परिणामों से स्पष्ट कर दिया है कि होने वाले विधानसभा चुनावों में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है और कांग्रेस हरियाणा में 70 सीटें प्राप्त करेगी। बताते चले कि 7 जुलाई को गुरुग्राम में होने वाले धन्यवाद समारोह व कार्यकर्ता सम्मेलन में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जनता का धन्यवाद करने आ रहे हैं। ये धन्यवाद समारोह ऐतिहासिक होगा। हरियाणा सरकार के बेड़े में नए बसें शामिल होने जा रही हैं। साथ ही ये भी बता दें कि 1030 बसों को कंडम कर दिया जाएगा। ज़्यादातर बसें दिल्ली रूट पर चलती हैं। दरअसल हरियाणा के विभिन्न जिलों से दिल्ली जाने वाली सैकड़ों बसों को रूट से हटाने की तैयारियां हैं। हरियाणा सरकार BS3 बसों को हटाने की तैयारियों में जुट चुकी है। परिवहन विभाग इस साल के अंत तक इन सभी बसों को दिल्ली जाने वाले रूट से हटा देगी। उधर वायु गुणवत्ता आयोग ने दिल्ली NCR में दूसरे राज्यों से आने वाली प्रदूषित ईंधन पर चलने वाली बसों को 31 मार्च 2025 तक स्वच्छ ईंधन में बदलने का अल्टीमेटम दे दिया है। आपको बता दें कि हरियाणा में BS3 की करीब 1000 बसें हैं, इनमें से 500 बसें NCR डिपो से चलती हैं। परिवहन विभाग इन सभी बसों को धीरे धीरे कंडम कर देगा। वहीं अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में दिल्ली NCR के इलाके प्रदूषण की चपेट में आ जाते हैं। लोगों को
सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। प्रदूषण फैलाने में डीजल बसों का भी अहम रोल है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वायु गुणवत्ता आयोग ने ऐसी बसों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है जिससे प्रदूषण फैलता है। वहीं आने वाले वक्त में दिल्ली में सिर्फ उन्हीं बसों को जाने की इजाजत होगी जो स्वच्छ ईंधन से चलेगी। इनमें CNG, इलेक्ट्रिक और BS6 की बसें शामिल होंगी। अगली खबर हरियाणा के फरीदाबाद से है जहां कांग्रेसी नेता की गोली मारकर हत्या कर देने का मामला सामने आया है। दरअसल हरियाणा के फरीदाबाद में उस समय सनसनी फैल गई जब कांग्रेस नेता ज्योतिंद्र भड़ाना उर्फ रिंकू भड़ाना के भाई की गोली से भून कर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक पैसों के लेन देन को लेकर रंजिश के चलते कुणाल भड़ाना की गोलियों से भून कर हत्या कर दी गई है। साथ में ये भी बता दें घटना रविवार रात करीब 11:15 मस्जिद चौक के पास हुई जब उनका भाई कुणाल भड़ाना एक दोस्त के साथ वहां खड़ा हुआ था। इसी दौरान विजय बिल्लू और दो अन्य लोग वहां आए और कुणाल से बहस करने लगे। इसके बाद उन्होंने बताया कि उनके भाई कुणाल की विजय और बिल्लू से दुश्मनी चल रही थी जिसकी वजह से हत्या की गई है। वहीं डबुआ पुलिस स्टेशन के SHO विद्यासागर ने बताया कि पुलिस को मृतक के भाई की ओर से दी गई शिकायत के बाद सोमवार को विजय बिल्लू और दो अन्य के खिलाफ IPC की धारा 334 सामान्य इरादा और हथियार अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि इस मामले के आरोपियों के धरपकड़ के लिए पुलिस ने दो टीमें बनाई हैं जो आरोपियों को पकड़ने के लिए जगह जगह छापेमारी भी कर रही हैं और जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं बात करें हरियाणा की मौसम की तो हरियाणा में जून महीने में सामान्य से 47% कम पानी बरसा है। दरअसल फरीदाबाद पानीपत को छोड़कर सभी जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। उधर मानसून की सक्रियता में कमी आई है। मौसम विशेषज्ञ की माने तो सोमवार से एक बार फिर से मानसून सक्रिय होगा। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जून में प्रदेश में 55.3 mm सामान्य बारिश होती है जबकि इस महीने में सिर्फ 29.3 mm ही बारिश हुई है। वहीं पानीपत फरीदाबाद में सामान्य से 3% ज्यादा वर्षा हुई है। मौसम विभाग अनुसार एक बार फिर हरियाणा NCR व दिल्ली में मानसून की सक्रियता धीमी पड़ गई है। वहीं रविवार को मानसून के असर से छिटपुट गतिविधियां दर्ज की गई। आपको बता दें कि रविवार को हरियाणा के दक्षिण में राजस्थान पर बनी हुई जिसमें सोमवार को ही हरियाणा NCR पर आने की संभावना है। प्रदेश में 1 से 5 जुलाई के दौरान अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। भारतीय मौसम विभाग ने इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।